हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट नॉलेज में। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया। गाइस कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शूट किया था और अपलोड किया था। उस वीडियो पर बहुत अच्छे व्यू आप लोगों ने दिए और काफ़ी कमेंट्स जो है बच्चों ने किए, सर ये जो वीडियो आपने बनाया बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, उसके लिए अमित दिल का तहे दिल से शुक्रिया। गाइस उन्होंने मुझे बच्चों ने कमेंट्स करके ये बोला कि सर ये वीडियो तो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे लिए एक वीडियो और बनाइए कि जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिग्री में क्या अंतर है और बच्चों को पहले प्रोविजनल लेना चाहिए या कि बच्चों को पहले डिग्री लेना चाहिए, यूनिवर्सिटी दोनों में से कौन सी चीज कब कब बच्चों को प्रोवाइड करती है। तो गाइस सारा का सारा वीडियो हमारा इस पर है, तो प्लीज इसको स्किप करके मत देखना, कंटिन्यू देखना ताकि डिग्री और प्रोविजनल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आए। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मास्टर्स जो है क्लियरली पास आउट हो गए हो और उसके जस्ट बाद आप अपनी जॉब के लिए या फिर कहीं आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, जैसे किसी बच्चे ने लॉ किया है उसको बार काउंसलिंग में रजिस्टर कराना है या स्टेट काउंसलिंग में रजिस्टर कराना है, किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन किया है या किसी बच्चे ने मास्टर्स किया है, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्राइवेट जॉब के लिए कहीं भी जा रहा है, तो वहाँ पर लगभग आपका प्रोविजनल या आपकी डिग्री मांगी जाती है कि भाई आपने कोई भी कोर्स किया है तो आप उसकी डिग्री प्लीज शो कीजिए। तो गाइज हर यूनिवर्सिटी का अलग फंडा है, आपने चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से किया, आपने प्राइवेट से किया है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया है या स्टेट यूनिवर्सिटी से किया है, सभी यूनिवर्सिटी की क्या है लाइबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चों को प्रोविजनल और डिग्री प्रोवाइड करें। अब इसमें थोड़ा सा फंडा क्या होता है गाइज, देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी जो होती है ना वो आपको एकदम डिग्री नहीं देती। मान लीजिए कि आपने एक महीना पहले अपना क्या है ग्रेजुएशन मास्टरी या कुछ भी कंप्लीट किया है और सडनली आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी को डेटा निकालने के लिए उसको पब्लिश करने के लिए कम से कम 6 महीने या साल का टाइम लगता है जब जाके बच्चों को डिग्री प्रोवाइड होती है। आप बोलोगे सर 1 साल 6 महीना हम रुके रहेंगे तो ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट है, बिल्कुल सही बात है। उसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक ऑप्शन निकाला कि अगर किसी बच्चे को डिग्री की रिक्वायरमेंट है अपनी जॉब को लेकर तो वो बच्चा यूनिवर्सिटी से क्या अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले सकता है। तो गाइस प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या है, वो डिग्री का ही एक रूप होता है, जब तक आपकी फाइनल डिग्री नहीं आती तब तक आपका जो प्रोविजनल है वो आपका एज ए डिग्री काम करेगा, समझे ना मेरी बात कि वो आपका डिग्री काम करेगा। अब देखिए गाइज मान के चलिए अगर आपने ग्रेजुएशन मास्टर्स कुछ भी आपने किया है तो यूनिवर्सिटी हर डॉक्यूमेंट निकालने का एक चार्ज लेती है, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर लिया मास्टर्स कर लिया उसके बाद आप कोई भी अपनी डुप्लीकेट मार्कशीट या अपना माइग्रेशन या अपना प्रोविजनल डिग्री या कुछ भी ट्रांजिट सर्टिफिकेट कुछ भी निकालते हैं तो यूनिवर्सिटी का हर यूनिवर्सिटी का चार्ज होता है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता है, सेंट्रल का अलग होता है, प्राइवेट का अलग होता है, वो अलग अलग साइट पर जाके आप उसको चेक कर सकते हो। पर गाइज मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि उससे पहले आप अपना जो है प्रोविजनल को क्या है अप्लाई कर सकते हो, जैसे ही आपका प्रोविजनल आ जाता है आप उसको दे सकते हो और उसके बाद तुरंत बाद डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ही आपकी गाइस एक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की एक किसी बच्चे की डिग्री आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हो, तो जैसे ही आप अपना कोई भी कोर्स क्वालिफाई करते हो वैसे ये डिग्री क्या है आपके पास आ जाती है और डिग्री आपके पास आने के बाद जो है प्रोविजनल की जो वैल्यू है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। कई बच्चे प्रोविजनल को भी संभाल के रखते हैं डिग्री को भी रखते हैं, आप दोनों को संभाल के रख सकते हो पर प्रोविजनल जो है जब तक वैलिड होता है आपका जब तक आपके पास फाइनल डिग्री नहीं आती। अब इसकी क्या है मैं बता देता हूँ आप डिग्री को कैसे प्राप्त कर सकते हो। देखिए गाइस हर यूनिवर्सिटी का प्रोविजनल या डिग्री का क्या है एक अलग अलग फी होता है इसको निकालने का, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट का अलग हो सकता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग हो सकता है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अलग हो सकता है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो तो आपको जैसे किस भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, फाइनल ईयर की मार्कशीट या जो भी फर्स्ट या सेकेंड ईयर की मार्कशीट के बाद अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप निकालते हो, चाहे वो आपका माइग्रेशन है, चाहे वो आपका प्रोविजनल है, चाहे वो आपका डुप्लीकेट मार्कशीट है, चाहे वो आपका डिग्री है, हर यूनिवर्सिटी आपसे चार्ज करती है और चार्ज हर यूनिवर्सिटी का क्या है अलग अलग हो सकता है। तो गाइज ये तो मैंने आपको बता दिया ये कैसे मिलता है और क्या करता है। अगर आपको कोई भी अपना प्रोविजनल या डिग्री आपको चाहिए तो आप अपनी यूनिवर्सिटी जाके इसको क्लेम कर सकते हैं, उसकी एक बकायदा रिसिप्ट कटती है और उसके बाद क्या आपके एड्रेस पे या वो हैंड टू हैंड आपको दे दिया जाता है। तो गाइज जब तक आपका फाइनल डिग्री नहीं आती तब तक जो है आपका प्रोविजनल वैलिड रहता है और जैसे ही आपकी फाइनल ईयर की डिग्री आ जाती है वैसे आपका प्रोविजनल मतलब डिमोलिश हो जाता है और आपकी डिग्री आगे वैलिड होती है। तो मोटा मोटा ये जो अंतर मैंने आपको बताया डिग्री और प्रोविजनल में ये होता है और ये आपको लेना बहुत ही जरूरी है।
कई बच्चे क्या होते हैं कि आगे जॉब नहीं करते, अपना बिजनेस करते हैं, तो फिर भी उनको ग्रेजुएशन या मास्टर या एमबीए कुछ भी करने के बाद अपने डिग्री को जरूर क्लेम करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के हो सकता है आपको कहीं गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़े और वो लोग आपसे डिग्री की डिमांड करें, फिर आपको निकलवाना पड़ेगा। निकल तो आपकी जाएगी, आपको कितने भी साल हो गए, 5 साल 10 साल 15 साल, कितना भी ईयर आपके लिए चला गया, आप अपना प्रोविजनल, अपनी डिग्री, अपनी मार्कशीट कभी भी यूनिवर्सिटी से निकाल सकते हो। तो गाइज, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। टिल देन, बाय एंड टेक केयर, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।